हेलो एवरीवन, आप सब मेरे हाथ में एक बुक देख रहे हैं। क्या है इस बुक में? यह कोई कॉमिक बुक नहीं है, यह कोई फिल्मी मैगजीन भी नहीं है और यह कोई नॉवल भी नहीं है। क्या है इस बुक में? किसने लिखा है इस बुक को? इसके बारे में आपको इसकी राइटर ही बताएंगी। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के साउथ सिटी में इस बुक की राइटर के घर, सृष्टि जेठवानी, जो बहुत ही यंग एज में एक मोटिवेशनल राइटर बन चुकी है और इस बुक का लॉन्च कई बॉलीवुड हस्तियों ने किया है। My best wishes to my dear Srishti for this wonderful book on poems. It's called White and a mixture of all colors. I'm sure these are all the colors of life in the best possible way presented in one book all over. किया है लिखने का, जो मैं बेहद इनको उत्साह देना चाहती हूँ इस बात के लिए, और मैं बहुत फख्र महसूस करती हूँ कि ये जनरेशन जो है लिखने में इंटरेस्टेड है। पोएट्री सिंस 8 months, बाकी राइटिंग आई हैव बीन डूइंग सिंस लाइक एवर, आर्टिकल्स, कॉलम्स एंड एवरीथिंग। चलिए आपको मिलवाते हैं इस यंग मोटिवेटर राइटर से, सृष्टि जेठवानी। हेलो मैम, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू, थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी एंड हर्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर बिकमिंग सच अ मोटिवेशनल राइटर। तो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको मोटिवेट किसने किया इस लाइन में आने के लिए? मैम, मेरे को राइटिंग का शौक तो बचपन से ही था, पर मैंने पोइट्री अभी थोड़े टाइम, 1 साल से लिखनी स्टार्ट करी है। तो पहले इंग्लिश में स्टार्ट करी लिखनी, फिर हिंदी में स्टार्ट करी लिखनी, तो अब कलेक्शन उसकी हो गई है जिसमें से 60 इंग्लिश पोएम्स की कलेक्शन है वाइट। एंड बिसाइड्स दैट, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स मैं 3 एंड हाफ ईयर्स से लिख रही हूँ ऑलरेडी। सो राइटिंग तो फील्ड न्यू नहीं थी मेरे लिए, बट पोइट्री मैंने अभी एक्सप्लोर करी वानिया से, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी आई मस्ट से। That's very good. And name of your book is White, Color of Peace, I think. Color of mixture of all colors. But it actually indicates. See, basically, हर रंग से जुड़ा हुआ कोई emotion होता है, हर emotion से जुड़ा हुआ कोई situation होता है हमारी life में. So basically, हम जिधर भी अपनी ज़िंदगी में हैं अभी, उससे जुड़ा हुआ हमारे अंदर कुछ इमोशन होगा। सो वाइट का ये मतलब है कि वो सारे रंग, वो सारे इमोशन मिक्स होके कुछ बहुत प्योर बनेगा आगे जाके। वाइट जो सबसे पीसफुल, सबसे प्योर, सबसे सीरीन कलर है। सो ये एक उत्साह है कि आप जिधर भी हैं अपनी ज़िंदगी में, आगे जाके सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो हौसला मत छोड़िए। तो मैम, आपकी बुक में एक्चुअली क्या है, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे प्लीज़? मैम, ये पोइट्री बुक है एंड इसमें रिदम, प्रोज एंड सिलिलकी, तीन तरह की पोएम्स हैं। तो एंड सारी पोएम्स में एक जो बेस है वो लेटेंट स्पिरिचुअलिटी का है। बहुत प्रीची नहीं है, बट एक लाइट स्पिरिचुअलिटी का है कि जैसे आप मानिए कि कुछ भी, कोई भी आपकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है या आप कुछ देख रहे हैं, सपोज कोई बटरफ्लाई है या कुछ है, सो बेसिकली हर चीज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से रिलेट किया गया है। तो जो भी बुक को पढ़ेंगे उन्हें होप मिलेगी, फेथ मिलेगा कि सब इवेंचुअली अच्छा हो जाता है, सब अच्छे के लिए ही होता है। मेन पॉजिटिविटी, मतलब लर्निंग मैसेज क्या मिलेगा इस बुक से सबको? कि आप फेथ मत छोड़िए, होप मत छोड़िए, पेशेंस मत छोड़िए, सब कुछ आगे बहुत सुंदर है। सो देयर इज अ रेनबो वेटिंग राइट लाइक अराउंड द कॉर्नर, जस्ट डोंट लूज होप। हमने सुना है आपने एक उर्दू में एक पोएम भी लिखी है। हाँ जी, जम्मू कठुआ मर्डर केस पे। वो आपको कैसे माइंड में आया कि एक पोएम लिखी जाए उस रेलेवेंट, एक बहुत ही एक शेमफुल केस था हमारे इंडिया के लिए, तो आपके माइंड में कैसे आया कि उसके ऊपर एक पोएम लिखी जाए? मेरा हिंदी में मैंने कई पोएम्स लिखी हैं बेसिकली, जो डॉटर्स और विमेन एम्पावरमेंट और विमेन फ्रीडम से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट वैसे भी। तो मैंने इस बुक में भी डॉटर्स पे पोएम है, मदर्स पे पोएम है। तो और वो जो इंसिडेंट था वो इतना शेमफुल था कि एक बेटी होते हुए, एक बहू होते हुए, एक बहन होते हुए आप फील कर सकते हो किसी की पेन, कि किसी के साथ इस तरह हो तो उसको कैसा लगेगा। तो मेरा एक्सप्रेशन पोइट्री में बेस्ट है, तो मैंने अपना एंगर या अपना दर्द थ्रू पोइट्री एक्सप्रेस करा। ओके मैम, एंड आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं अपनी लाइफ में? माई रोल मॉडल इज़ माई फैमिली, ऑल ऑफ देम, ईच वन ऑफ देम, सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है, सब ने बहुत मुझे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करा है और सपोर्ट भी दिया हर वे में। सो माई फैमिली इज़ माई रोल मॉडल। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो मैम, आपको ये बुक लिखने में कितना टाइम लगा?
मुझे ये बुक लिखने में कितना टाइम लगा। ऐसे नहीं, मैंने जब ये पोइट्री लिखनी स्टार्ट करी थी, मुझे बुक पब्लिश करने का कोई वो नहीं था इंटेंशन, तो मैंने 200-300 पोएम्स इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स लिखी, जिसमें से 60 पोएम्स इस बुक में हैं। तो ऐसे मतलब आप मान लीजिए 8-9 मंथ्स का। 8-9 मंथ्स। और इस बुक के अलावा और आपने क्या क्या किया है? मैंने इस बुक के अलावा, मेरे पास और इंग्लिश पोइट्री की कलेक्शन है जो हम जल्द ही करेंगे, दूसरी बुक भी लॉन्च, हिंदी पोएम्स की कलेक्शन है जो कि जल्द लॉन्च होगी। उसके अलावा एक नॉवल पर भी मैं वर्क कर रही हूँ जिसका नाम रुद्र है, वो सब धीरे धीरे आएगा, अभी हम वन स्टेप एट अ टाइम से शुरू करते हैं। तो पहले वाइट है इस टाइम पर, अभी हम सब प्यार अपना इसको देंगे, धीरे धीरे अगली बुक्स पर। तो आपको हिंदी लैंग्वेज में टफ नहीं लगता पोएम लिखना, जो आई थिंक वो लोगों के लिए काफ़ी टफ होता है? नहीं नहीं, हिंदी तो हमारी लैंग्वेज है, हम बड़े हुए हैं हिंदी बोल के सुन के, तो हिंदी में एक्सप्रेशन तो ईजी है एंड हिंदी समझ भी ज़्यादा लोगों को आती है, उसका रीच बहुत ज़्यादा है इंग्लिश से, तो हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम आप अब ये बताइए, आने वाले टाइम पे आपका और क्या क्या लॉन्च होने वाला है? बहुत जल्द नेक्स्ट बुक लॉन्च होगी, हिंदी की होगी, उसका नाम इत्र है, एंड गॉड विलिंगली और 6-7 मंथ्स में वो लॉन्च हो जाएगी। तो नेक्स्ट तो वो है पाइपलाइन में, अभी देखते हैं बाकी। मैम जो बॉलीवुड स्टार्स हैं जिन्होंने आई थिंक आपकी ये बुक रीड भी की है, आपको कैसे रिव्यूज मिले उनकी तरफ से? बॉलीवुड में प्रेम चोपड़ा सर हैं, आशा सचदेव मैम हैं, एक आनंद बख्शी सर बहुत माने हुए उर्दू पोएट रहे हैं, उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी सर, वो भी ही इज ऑल्सो एन ऑथर, तो उन्होंने बुक को पढ़ा, उन्होंने बहुत प्रेस करा। समीर एक लिरिसिस्ट हैं, वो भी बॉलीवुड के काफ़ी फेमस, उन्होंने बुक को बहुत अप्रिशिएट करा, उनका फ़ोन आया। एंड बिसाइड्स दैट एक टीवी एक्ट्रेस भी हैं जेनिफर विंगेट, उन्होंने भी एक्नॉलेज करा, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला। सो बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए सब ने, बहुत इनक्रेज करा, और बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उन सबके साथ उधर बॉम्बे में। तो आपके फ्रेंड्स, आपके स्कूल मेट्स, आपके कॉलेज फ्रेंड्स, सबने आई थिंक आपने सब सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तो उन्होंने आपको कैसे कमेंट्स दिए? पहले तो कोई बिलीव ही नहीं करता कि आप पोएट कैसे बन गए, क्योंकि हमारा जो भी स्कूल का सिस्टम होता है उसमें हमें स्ट्रीम्स लेनी है, पढ़ना है, ऐसे ये इन चीज़ों को, आर्ट को अब शायद करने लगे, पहले तो इतना नहीं करते थे। तो पोइट्री किसी को पता ही ना मैंने एक्सप्लोर करी थी कभी कि इफ़ यू नो आई कुड राइट पोइट्री और नॉट। सो अब जब सबको पता लगता है, सब बहुत प्लेजेंटली शॉक्ड हो जाते हैं कि अच्छा पोइटर्स बन गए हो ये वो, बट एवरीबडी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव, वेरी प्लेजेंट, एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ब्लेस्ड कि सब फ्रेंड्स एंड फैमिली आर सो नाइस। दिस बुक इज एक्चुअली मेनली बेस्ड ऑन मोटिवेशन टू गिव पॉजिटिविटी टू समवन। यस एग्जैक्टली मैम, दिस इज एक्चुअली माई परस्पेक्टिव, ये मेरा नज़रिया है चीज़ों के लिए, एक फूल को लेकर या मौत को लेकर या सेपरेशन को लेकर जो मेरा नज़रिया है ज़िंदगी को लेकर, ये वो है। तो हम अगर किसी के नज़रिए को अपनाएं, हम उनकी पॉजिटिविटी खुद अपना लेते हैं। सो बेसिकली मैं अपना नज़रिया लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं इस बुक के ज़रिए, और वही इसमें लिखा हुआ है। तो मैम आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपने ये बुक लिखी है, एक इस बुक के अलावा आपका क्या मैसेज होगा सबके लिए जो आज बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपका क्या मैसेज है सबके लिए? मेरा सबके लिए सिर्फ एक मैसेज है कि कभी भी दो लोगों की ज़िंदगी सेम नहीं होती, किसी की ज़िंदगी से आप सीख ज़रूर सकते हैं, पर ये नहीं है कि आपकी भी ज़िंदगी में वही होगा। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, फेथ रखिए, एंड हौसला रखिए कि आगे जाकर हमेशा सब ठीक होगा, इसी को अपना उसूल बना लीजिए और इसी पर अमल कीजिए। कैमरामैन धीरज कुमार के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।